नमस्ते बच्चों, मैं स्माइल से विजयलक्ष्मी एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। बच्चों, इन दिनों हम आपसे ज्यामिति के बारे में बात करें। इसमें हमने आपको बिंदु यानी पॉइंट के बारे में बताया है, रेखाखंड यानी लाइन सेगमेंट के बारे में बताया है, रेखा यानी लाइन के बारे में बताया है, किरण यानी रे के बारे में बताया है, समांतर रेखा यानी पैरेलल लाइन के बारे में बताया है आपको, अंतर्विभाजक रेखा यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइन के बारे में बताया है, कोण, कोण को एंगल कहते हैं इसके बारे में बताया है, मध्य बिंदु यानी मिड पॉइंट के बारे में आपको बताया है। आज भी इस संबंध में बात करेंगे कि आपको इनमें लिखी हुई नामों के अनुसार उनके चित्रों से मिलान करना है। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है बिंदु, तो यहाँ पर बिंदु कहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, पॉइंट यानी ये रहा, तो इसको बिंदु से मिलान करना है। ऐसे रेखाखंड से रेखाखंड देखकर आपको उसको मिलान करना है, रेखा का रेखा से किरण का, समांतर रेखा से समांतर रेखा का, अंतर्विभाजक रेखा का उससे मिलान करना है, कोण का कोण से और मध्य बिंदु का मध्य बिंदु से। तो उनको देखकर समझकर, क्योंकि आपको जो समझाया है उस अनुसार इनको देखकर इनका मिलान करना है। मुझे उम्मीद है मैंने जो समझाया है वो समझ में आया होगा और आप मुझे करके ज़रूर भेजोगे।